तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर आएगा। अब वो कौन सा हॉलीवुड स्टार है जिसके नाम पे जापान में एक कौमी दिन मनाया जाता है, यानी कि इतने फैंस हैं उस स्टार के कि उन्होंने जापान में एक दिन ही उनके नाम कर दिया है ना, जैसे फादर्स डे होता है, मदर्स डे होता है, उसमें तो अपने अपने माँ बाप होते हैं या भाई बहन होते हैं। तो ये कौन सा स्टार है जी? आपके पास ऑप्शन हैं जिम कैरी, जैकी चैन, टॉम क्रूज, टॉम हैंक्स। वो कौन सा हॉलीवुड स्टार है जिसके नाम पर जापान में कौमी दिन मनाया जाता है? जिम कैरी, जैकी चैन, टॉम क्रूज या टॉम हैंक्स? ठीक है, मैं अपनी पहली लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा। प्लीज बताइए। पहली लाइफलाइन है, दो जवाब दीजिए और ये मैं लूंगा लाइफलाइन, और मैं अपने ऑप्शन रखूंगा इसमें बी और सी। डी और सी? बी, बी और सी। बी और सी, जैकी चैन एंड टॉम क्रूज। जी बिल्कुल। ठीक है, ओके, पहली लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, दो जवाब दीजिए, और इन्होंने ऑप्शंस लिए हैं जैकी चैन और टॉम क्रूज की। इनको लॉक कर दें, इन दोनों ऑप्शंस को? जी बिल्कुल। इन यही दो ऑप्शंस? जी जी बिल्कुल। ओके, ये दोनों हमने लॉक कर दिए हैं। सी सही जवाब है, टॉम क्रूज इज द राइट आंसर। आप सोचिए वो एक्टर स्टार कितना मशहूर होगा जिसके नाम पे उसके अपने मुल्क में नहीं बल्कि जापान में, 10th अक्टूबर है, 10th अक्टूबर का दिन है जो उनके फैंस मनाते हैं। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।